आज यार पता नहीं ठंड अचानक से बढ़ गई है काफ़ी ज़्यादा, है ना। यूजुअली बढ़ती नहीं है इतनी ज़्यादा, और मैं घर पे स्वेटर वेटर भी नहीं पहनता इतना, लेकिन आज पहन के आऊँ भाई, क्या गजब सर्दी हो रही है। कल जो है मैं गया था एक पार्टी के अंदर, ठीक है, और उसमें क्या है ना, मतलब जाने से पहले एक गिफ्ट पैक करवाना था, तो गिफ्ट पैक करवाते समय मैंने यार एक लड्डू टेस्ट किया था, मेरे को क्या गजब लड्डू लगा था, ठीक है। वो गजक वाली दुकान पर मिलता है, अब मुझे पता नहीं वो क्या होता है, लेकिन यहाँ पर भी एक फेमस दुकान है, तो अपन उसके चलते हैं, पूछते हैं, अगर मिल जाता तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फेमस होने का कोई सेंस नहीं दुकान का। जैसे मोस्ट ऑफ द टाइम मैं क्लीन ईटिंग ही करता हूँ, लेकिन कभी कभार बाहर का भी खा लेता हूँ, और मैं प्रमोट भी करता हूँ कि आपको सब कुछ खाना चाहिए, तो इसीलिए अपन आए नारायण जी गजक वाले के, है ना, बहुत फेमस है, अगर लड्डू मिल गया तो फेमस है, नहीं तो फेमस नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे मिलता है कि नहीं मिलता लड्डू। तिल के लड्डू, ठीक है, ये शायद गजक के लड्डू है, और ये क्रंची लड्डू है, मेरे को पता नहीं किस चीज़ के बने हुए हैं, और आई थिंक ये वाले लड्डू है जो मैं लेना चाह रहा हूँ, बट मैं श्योर नहीं ले रहा हूँ। ये चॉकलेट वाली गजक है ना, वो तो मिली नहीं, लेकिन इस बार रिस्क लेते हैं और ये लेके देखते हैं। समझे, बता रहा हूँ, दुनिया का सबसे टेस्टी ऑमलेट बना के दिखाऊंगा, तुम्हारी रू रू कांप जाएगी, मैं पहली बार बनाऊंगा, मैं भी पहली बार ही खाऊंगा, है ना, आज कुकिंग का मजा आएगा कसम से। तो गाइस अभी अपन दुनिया का सबसे टेस्टी ऑमलेट बनाने वाले हैं, जिसके लिए सबसे पहले आपको चाहिए सब्जियां चाहिए काफी सारी, मैंने बहुत सारी यूज करी है, जैसे कि ये कैप्सिकम हो गए दो तरह के, यहाँ प्याज हो गया, मिर्च हो गई, यहाँ पे अदरक हो गई, टमाटर हो गई, आप और भी सब्जियां यूज कर सकते हो, मैंने यही यूज करी है। ऑमलेट बन रहा है तो ऑब्वियसली अंडे चाहिए, तो मैं दो अंडे यूज करूंगा, पूरे पूरे अंडे यूज करने वाले अपन, और रखना कि आपके पास में दो चीज़ें होनी चाहिए, एक तो ये, इसको विस्कर बोलते हैं, और इसके अलावा इस तरीके का एक बर्तन होना चाहिए ताकि आप अंडे को प्रॉपरली मिक्स कर पाओ और वो गिरे भी नहीं बाहर, ठीक है। और मैं नॉनस्टिक पैन यूज़ करने वाला हूँ, तेल कम लगेगा इसलिए, और ये चीज़ आती है ना इसको उठाने के लिए ऑमलेट को, ठीक है। यार मैं इसका नाम भूल गया, नाम क्या होता है इसका, चमचा नहीं बोलते इसको, है ना, चमचा तो वो होता है उठाने वाला, है ना, तो इसको अपन औजार बोलेंगे। अभी पैन के अंदर, हालांकि ये नॉनस्टिक है, फिर भी थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा, ठीक है। अभी तेल को थोड़ा सा गर्म कर लेना, और उसके अंदर डाल देंगे ज़ीरा, तो अगर आप ज़ीरा नहीं डालना चाहो तो आप तेल को अवॉइड कर सकते हो, है ना, ये कड़का ही नहीं यार, एक वाह, गैस चालू ही नहीं करी। सो गाइस सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहला स्टेप है, गैस जलानी पड़ेगी, ठीक है, इसीलिए बेचारा ज़ीरा जो अभी तक कड़का ही नहीं है, तो बिना अंडों के बन सकता ऑमलेट, लेकिन बिना गैस जलाए नहीं बन सकता। गैस जलाएंगे और अब ज़ीरा कड़केगा हमारा। अभी अपना जो ये टूल है, औजार है, इससे इसको ढंग से मिक्स कर लेना प्रॉपरली, और एक बार ये ढंग से मिक्स हो जाता है उसके बाद अपन क्या करेंगे, सारी सब्जियां इसके अंदर डाल देंगे। सबसे पहले लेना प्याज, ठीक है, इसको डाल देना इसके अंदर, और इसके साथ में अदरक भी लेंगे, इसको भी इसके अंदर डाल देंगे, ठीक है, बचाओ प्याज भी डाल देना, और इसको मिक्स कर लेना प्रॉपरली। अभी आप देख सकते हो ये दोनों चीज़ें पक गई हैं, अब आप इसमें सारी चीज़ें एक साथ डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से डालना ना, कुछ गिरना नहीं चाहिए यार। नाउ दिस इज़ लुकिंग रियली नाइस एंड कलरफुल, इसमें से मस्त खुशबू आ रही है एकदम। अभी इसमें मसाले डालेंगे अपने, थोड़ी सी हल्दी, लाल मिर्च पाउडर अपने हिसाब से, ये है सीक्रेट स्पाइस, है ना, कस्तूरी मेथी या कसूरी मेथी जो भी होती है, थोड़ी सी डाल देंगे इसके अंदर, और नमक जैसे कि आपने सुना ही होगा स्वाद अनुसार डाल सकते हो अपने हिसाब से, इसको प्रॉपरली मिक्स कर लेना। अभी इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल देंगे, गाइस अभी आप देख सकते हो पूरी तरीके से पानी उड़ गया है। अभी दोनों अंडे इसके अंदर तोड़ के डाल लेंगे, पूरे पूरे डालेंगे अपन, ठीक है, ये गया पहला अंडा और ये गया दूसरा अंडा। अभी ये बाइसेप देख रहे हो, ये बन रहा है ऐसी चीज़ें खाने से, ठीक है, तो ऐसी चीज़ें खानी चाहिए आपको। मेरे को प्रॉपर वर्कआउट फॉलो करते हुए लगभग 3 से 4 महीने हो गए, और डाइट भी बराबर चल रही, कट टू कट, और आप देख सकते हो रिजल्ट क्या तगड़ा वाला आ रहा है ना, मस्त बाइसेप लगने लग गया, बाइसेप नहीं लेग्स वैग्स सब ग्रो कर रहे हैं बहुत तगड़े वाले। गाइस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, काफ़ी बढ़िया बढ़िया कॉन्टेंट डालने की कोशिश कर रहा हूँ, और इंस्टाग्राम का लिंक भी यहाँ पे आ गया होगा, तो प्लीज़ फॉलो कर लेना। काफ़ी बातें हो गई हैं, आप इसके अंदर सॉल्ट डालना अपने हिसाब से, और थोड़ा सा रेड चिली पाउडर भी इसके अंदर डाल देंगे, ठीक है, बिल्कुल थोड़ा सा, क्योंकि अपन ने इसके अंदर भी डाल दिया है ना पहले से ही। अभी सारा मसाला इसके अंदर आपको डाल देना है जो अपन ने अभी कुक किया था, है ना। अभी इसको एकदम प्रॉपरली मिक्स कर लेना, है ना, और लगभग 1 से 2 मिनट के लिए चलाते रहना कंटिन्यूसली। अभी आप देख सकते हो ये एकदम प्रॉपरली मिक्स हो गया है ना। अभी पैन के अंदर जो मसाले का ऑयल है ना पहले से लगा हुआ, वही यूज़ करने वाले हैं अपन, अपने को ये ऑमलेट का बैटर डाल देना है, बहुत स्लोली डालना, ढंग से डाल देना, ठीक है, और अभी इसको फैला लेना इस तरीके से हल्के हाथों से, बिल्कुल पीस को अपन ढक देंगे, है ना, मुश्किल से 1 मिनट के लिए, उसके बाद इसको निकाल लेंगे। अब सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप आता है, इस ऑमलेट को फ्लिप करना है अपने को। अभी आप देख सकते हो काफ़ी आराम से निकल पा रहा है। अभी आपको क्या करना है, ये जो अपना ऑमलेट है इसको आपको पलट लेना है, 3 2
वन पलट गया। क्या गजब का ऑमलेट लग रहा है ये, है ना? लग रहा है मस्त एकदम टेस्टी सा। अभी इसको अपन लगभग 1-2 मिनट के लिए और पकाएंगे और ये बन गए तैयार। आज इस दुनिया को मैं एक नया ऑमलेट देने जा रहा हूँ, देखिए। अरे जल गई। अभी मैंने इसको थोड़ा सा सुंदर बनाने की कोशिश करी, 2 पीस में काट दिया है और यहाँ पे मैंने सॉस लिया है, ठीक है, जिसको मैंने मिर्ची की शेप में बना लिया है और इसकी डंडी लगाना भूल गया, समझ जाना थोड़ी सी क्रिएटिविटी वहाँ पहले। अभी फाइनली एक बार इसको टेस्ट करके देख लेते हैं कि टेस्ट में कैसा बना है, होपफुली अच्छा होगा। देखो पहली बात तो ये कि इसका टेस्ट कहीं से भी ऑमलेट जैसा नहीं लग रहा है, ठीक है, आपको लगेगा कि आप चीला खा रहे हो। और दूसरी चीज़ यार, इसका टेस्ट जो है बहुत टेस्टी यार, बहुत टेस्टी। मेक श्योर अगर आप ये बना रहे हो ना तो मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर बताना आपको कैसा लगा है, कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी ये जो आप ऑमलेट देख रहे हो, ऑमलेट नहीं देख रहे यार, आप भाई सिर्फ देख रहे हो। मेक श्योर गाइज अगर आपने मेरे को फॉलो नहीं किया इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, बहुत प्यारा प्यारा कॉन्टेंट डाल रहा हूँ, काफ़ी जेनविन डालने की कोशिश कर रहा हूँ। सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू दी चैनल गाइज। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो एक लाइक बनता है, सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर लेना, बाकी आपको पता ही है लाइफ बढ़िया चल रही है।